स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। जस्ट अ मिनट।
जस्ट मोमेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट घर पे बोल दे जरा मैं देख लूं कहां से तुमको किस चीज को लेना है वो सारा है उसके अंदर तो पर्टिकुलर अपन चाह रहे हैं करें तो सभी कवर पर सिस्टमेटिकली Let's we start from here. यहाँ हम चालू करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी जहाँ लिखा है वहां से हम चालू कर रहे हैं। बोल दो। ओके। Am I audible to you? Yeah. Am I Jubair? जी सर अपन ये चालू कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले समझा दिया है क्लास क्या होता है ये सब वो अपन थोड़ा डिटेल में जाएंगे उसके पहले एक बार इसको समझ लें अच्छे से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी डील विद ये कॉन्सेप्ट है जिसके साथ ये डील करती है एक तो इनहेरिटेंस कल अपन देखा भी था इनहेरिटेंस एम्प्लॉय के अंदर अपन ने एक प्रोग्रामर इनहेरिटेंस डाला था कितने प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं वो यहाँ अपन देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे ये क्या होता है एनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे और एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे है ना ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज के कुछ कंसेप्ट ये सब कंसेप्ट अपन समझेंगे इनहेरिटेंस अपन जानते हैं कि एवर हर्ड ऑफ दिस डायलैक्ट फ्रॉम रिलेटिव यू लुक एग्जैक्टली लाइक यूर फादर एंड मदर है ना कि आप अपने पिताजी और माताजी की तरह इसका कारण क्या है कि आप इनहेरिटेंस को जो उनकी प्रॉपर्टी लेके आते हैं अपने है ना फ्रॉम द प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट इट जनरली मीन्स इनहेरिटिंग और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड क्लास विदाउट एनी मॉडिफिकेशन है ना जो पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक है वो इनहेरिटेंस में आएगी चाइल्ड में आएगी द न्यू क्लास इज कॉल्ड द डेराइव्ड क्लास जो भी अपन नीचे जैसे अपन ने प्रोग्रामर एक क्लास बनाई वो एम्प्लॉय का इनहेरिटेंस था तो वो चाइल्ड क्लास हुई या डेराइव्ड क्लास हुई है ना और ये जिससे अपन ने ली है जो पेरेंट है इसका जो क्लास थी एम्प्लॉय वो पेरेंट क्लास थी और उसको हम बेस क्लास भी बोलते हैं आया समझ में टर्मिनोलॉजी याद रखना है पेरेंट क्लास बेस क्लास एक ही बात है और डेराइव क्लास और चाइल्ड क्लास एक बात है यहां तक समझ में आए अब मैं आपको टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस बताता हूँ एक तो इनहेरिटेंस सीधा सीधा होता है कि अपन ने क्लास ए से क्लास बी को इनहेरिट कर गया सिंगल हेरिटेंस जो अपन ने कल देखा था कि एम्प्लॉय से अपन ने इनहेरिटेंस किया था किसमें प्रोग्रामर आया समझ में अब उसके बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है अपन ने एम्प्लॉय से करा प्रोग्रामर में और प्रोग्रामर से भी अपन ने इनहेरिटेंस कर दिया कि आर प्रोग्रामिंग वालों को अलग कर दिया पाइथन वालों को अलग कर दिया जावा वाले उसके अंदर इस प्रकार से अपन उसको इनहेरिटेंस कर दिया ठीक है है ना तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में भी अपन ब्रांचेस दे सकते हैं फिर भाई एक जावा हो गया एक आर पीएचपी हो गया एक पाइथन हो गया इज इट क्लियर यस सर तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये सब कंबाइंड हो सकते हैं मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि सब अलग अलग ही अपने आप में डिफरेंट है ना भाई एक के नीचे एक आप दे रहे हैं वो मल्टी लेवल भी है और हायरार्किकल भी हो जाए ठीक है ना भाई दो लेवल तीन लेवल हो गया तो मल्टी लेवल हो गया हायरार्किकल इसलिए हो गया कि वो उसके ब्रांचेस निकल गए ठीक है फिर एक मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है कि चाइल्ड एक होता है वो दो
पेरेंट होते दो पेरेंट होते है ना, दो या तीन जो भी हो जाए, तो इस प्रकार से ये टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होता है। सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में मैं बताऊंगा कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस एनेबल्स ए डेराइव्ड क्लास टू इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट क्लास, है ना। तो यहाँ मैंने एक क्लास लिखा है एम्प्लॉय वन, दिस इज अ पेरेंट क्लास, और मैं एक इसको इनिशिएट कर रहा हूँ डिफाइन फंक्शन से, सेल्फ नेम एज सैलरी, वही चीज मैंने ली है यहाँ पे। एंड एक चाइल्ड एम्प्लॉय क्लास मैंने ली है, एम्प्लॉय वन जो मैंने यहाँ दी थी इसकी ये वो है। तो मैंने एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी, इसमें एक चीज और एड ऑन हो गई, दैट इज आईडी जो यहाँ नहीं। कल मैंने एक सिंटेक्स सबका साथ में दे दिया था जो प्रीवियस में हो रहे थे इनके लिए, यहाँ मैंने इनको अलग अलग ही लिखा है, है ना। आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं, चाहे ये भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सेल्फ डॉट नेम नेम, सेल्फ डॉट एज एज, सेल्फ डॉट सैलरी सैलरी, और सेल्फ डॉट आईडी आईडी। अब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ एम्प्लॉय वन, और ये मैं एम्प्लॉय वन में कर रहा हूँ, एम्प्लॉय वन यानी मेन क्लास। इज इट क्लियर? मेन क्लास के मेरे पास तीन ही एट्रीब्यूट हैं, तो मैं तीन ही रख सकता हूँ, ये तो रख नहीं सकता, आईडी रख सकता हूँ क्योंकि मैं तो ये ले रहा हूँ ना क्लास। हाँ, यदि मैं चाइल्ड एम्प्लॉय ले रहा होता तो मैं चारों रख सकता था, चाइल्ड एम्प्लॉय है ना, तब मैं चारों रख सकता था, अदरवाइज एक ही रखूंगा। और प्रिंट एम्प्लॉय डॉट एज, ये क्या दे रहा है भाई, कोई तो दिक्कत कर रहा है, एम्प्लॉय वन इज नॉट डिफाइंड, भाई नहीं, इसको कर रहा है, इसको भी नहीं कर रहा, ग्रीन में सही रहता है, पर वो रेड कई बार क्या होता है, कुछ बग होती है कोई सी, अब जैसे अपना यहाँ देख लिया, अब ग्रीन आ गया देख लिया, है ना, वो कुछ हो जाता कहीं, वो क्या रहता है कि सर्वर से चलता है ना, कई बार प्रॉब्लम हो जाता है, ये लोकल सर्वर अपन यूज करते हैं ना। इज इट क्लियर? अब क्या हो रहा है कि ये इसका इनहेरेंट क्लास हो गया, ठीक है, चाइल्ड एम्प्लॉय,
इसका एम्प्लॉय वन का, तो अपन ने ये इसके अंदर लिखा। अब मैं एक्सप्लेनेशन इधर ही मैंने एक्सप्लेन किया, ये मैं शेयर करूंगा, आप पढ़ लेना, थोड़ा सा ज्यादा कुछ नहीं है। टेकिंग द पेरेंट क्लास एंड क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर इन इट, क्लास इटसेल्फ इज इनिशियलाइजिंग द एट्रीब्यूट्स विद पैरामीटर नेम एजेंट सैलरी, है ना, अपन उसमें क्लास में जोड़ा है। फिर इसके बाद मैंने क्रिएटेड अ चाइल्ड क्लास चाइल्ड एम्प्लॉय के नाम से, विच इज इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द पेरेंट क्लास, है ना, पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टी इनहेरेंट किया है। एंड फाइनली इनिशिएटेड ऑब्जेक्ट्स एम्प्लॉय वन एंड एम्प्लॉय टू अगेंस्ट द पैरामीटर्स, है ना। तो मैंने एम्प्लॉय वन ही अभी क्रिएट किया है, एम्प्लॉय टू अब नीचे करके बताऊंगा मैं। सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करें अपन, यहाँ भी वही दिक्कत करेगा। यहाँ मैंने एम्प्लॉय वही सब है, और एम्प्लॉय वन में मैंने वही लिया है जो इसमें है, कुछ अलग से नहीं लिया। फर्स्ट चाइल्ड क्लास, सेकंड चाइल्ड क्लास में भी वही लिया हुआ है, चाइल्ड एम्प्लॉय टू। तो एम्प्लॉय वन मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास से, मेन क्लास से, बेस क्लास से, और एम्प्लॉय टू मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फर्स्ट चाइल्ड से। ओके, तो हम देखते हैं दोनों को, और फिर मैं प्रिंट एम्प्लॉय वन डॉट एज और एम्प्लॉय टू डॉट एज में कर रहा हूँ। तो 22 एंड 23, ओके, सो दोनों मैंने डिफरेंट डिफरेंट से किए थे, पर क्योंकि इनहेरेंट प्रॉपर्टी इसलिए वो ले लिया। ओके, यदि इसको भी कर रहा हूँ तो वो ले रहा है, ठीक। तो ये इस प्रकार से इनहेरेंट को अपन एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इनहेरेंट में वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी जो ऊपर है, वो इनहेरेंट में है, नो प्रॉब्लम। सर सर एक सेल्फ वाला जो पार्ट है ना सर, या हम लोग कुछ भी करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उस पे सेल्फ पे लेगा ना, मतलब उस पे कुछ और लिखना है जरूरी नहीं ना। नहीं नहीं, सेल्फ लिखेंगे वो, क्योंकि मोस्टली सेल्फ ही लिखा जाता है। नहीं नहीं, अगर कुछ और लिखते हैं तो ऐसा एरर तो नहीं आएगा ना? नहीं, एरर नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस उसका जो फिक्स है, कुछ भी लिखो। हाँ, कुछ भी, पर क्या होता है गुड प्रैक्टिस में सब जगह सेल्फ यूज कर, सेल्फ ही लिखा जाता है। हाँ सर, बस वो डाउट है कि सेल्फ ही लिखना है या कुछ और भी लिख सकते। नहीं, कुछ और भी लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मैंने बताया भी था पिछले स्क्रिप्ट में दिया। अब इसमें यदि अपन देखें, it is clearly explained the code written above, here I have defined the super class as employee and child class is child employee 1, now child employee 1 acts as a parent of child employee 2, तो ये जो है यहाँ मैंने क्या लिया है, child employee 1 लिया हुआ है, तो ये child employee 2 है, वो इसका बच्चा हो गया child employee 1 का, आगे समझ में। तो इसमें वो वैसा यूज नहीं करेंगे, हायरार्कियल क्लास नहीं यूज करेंगे वो, क्या था? नहीं, ये अपन ने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल क्लास, मल्टी लेवल वाला, ये वाला लिया है। हां, अच्छा अच्छा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बता रहा हूं, आगे समझ में। तो आई हैव इनिशिएटेड टू ऑब्जेक्ट्स एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2 वेयर आई एम पासिंग द पैरामीटर्स नेम एज सैलरी एंड एम्प्लॉय 1 फ्रॉम द सुपर क्लास, सुपर क्लास है ना जो अपनी बेस क्लास है एम्प्लॉय, वो पहली वाली है ना, नेम एज सैलरी एंड आई डी फ्रॉम द पेरेंट क्लास चाइल्ड एम्प्लॉय 1, है ना। तो यहाँ मैंने आई डी डाला नहीं है, आप आई डी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आई डी डाल देता हूँ वन में, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी, और अब मुझे यहाँ पर आईडी डालना पड़ेगी, और आईडी डाल दी मैंने सर। मोसिन को समझ गया सर, हैं? मोसिन को आज का समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया, अब पूरा फर्स्ट डे सब समझ गए। नहीं, इसमें टाइम लगता है, मतलब धीरे धीरे समझ में आएगी चीजें, इसलिए मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट बनाई है अलग अलग तरह से। क्या एकदम से मैं सब चीज लेके चलू ना, नहीं समझ में आएगा। पहले अपन ने क्लास वगैरह समझ ली है ना, इनिट करना समझ लिया, उसको लिखना, फिर उसको ऑब्जेक्ट अपन ने समझ लिया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है सर। अब अपन क्या है उसके डिफरेंट डिफरेंट, अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस देखें, तो हायरार्किकल में क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ।
एक पेरेंट के दो बच्चे तो ये अपन देखेंगे इसमें। सो हायरार्की का लेवल इनहेरिटेंस एनेबल्स मोर देन वन डेराइव्ड क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट क्लास। तो पेरेंट क्लास अपना एम्प्लॉई है, तो ये वाला चाइल्ड वन भी के लिए भी एम्प्लॉई लिया अपन ने, चाइल्ड टू के लिए भी एम्प्लॉई लिया। अरे बस समझ यस सर, यहाँ पर क्या किया, चाइल्ड वन के लिए तो एम्प्लॉय लिया था, चाइल्ड टू के लिए मैंने चाइल्ड वन एम्प्लॉय लिया, मल्टी लेवल। अब आगे समझ हाँ सर, ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो ये अपन को जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा ले लेते हैं, अपन अपने प्रोग्राम जब कर रहे होते हैं जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसी ले लेते हैं। तो इसको भी अपन रन करेंगे, तो मैं तो खाली एज पूछ रहा हूँ इसलिए आईडी नहीं भी लिखा तो चलेगा। So in the above example, you can clearly see that there are two child class, employee one, child employee two. There are inheriting functionalities from the common parent class, that is the employee, है ना? Object MP1 and MP2, employee one and employee two are instantiated against the parameters name, age and salary. यहाँ उसे clear. अब multiple inheritance देखते हैं। तो multiple inheritance, ये अपना multiple inheritance, दो parent. दो पेरेंट एक बच्चा। सो क्लास एम्प्लॉय वन और क्लास एम्प्लॉय टू, ये दो क्लास मैंने क्रिएट करी। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, दोनों पेरेंट है क्योंकि यहां मैंने कुछ नहीं लिखा ब्रैकेट, आ रहा है समझ में? यस सर। फिर मैंने चाइल्ड क्लास डाली, चाइल्ड क्लास में एम्प्लॉय वन और एम्प्लॉय टू दोनों डाल दिए, आ रहा समझ में? यस सर। और इसमें मैंने इसमें आईडी डाली थी, इसमें आईडी नहीं डाली, इसमें मैंने आईडी डाली, ठीक है? तो यदि मैं एम्प्लॉय टू लिखता हूं तो मुझे आईडी मेंशन करना पड़ेगी, 1 2 3 4 मैंने आईडी मेंशन करी, और एम्प्लॉय वन लेके करता हूँ तो नहीं करना पड़ेगा, एम्प्लॉय वन एम्प्लॉय टू। तो ये इस प्रकार से मैं इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट वन है मेरा, इसमें तो मुझे आईडी मैंने डाली नहीं है, ओके, तो क्लास पे लिया है। ऑब्जेक्ट टू में मैंने आईडी डाली तो उसमें आईडी कॉल कर सकता हूँ, एम्प्लॉय वन में आईडी कॉल नहीं कर सकता, कर सकता हूँ क्या इसमें? सर एम्प्लॉय वन एम्प्लॉय टू में अलग अलग ले सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय वन में अपन आईडी नेम वेम लिए और एम्प्लॉय टू में अगर अपन ने डेट ऑफ बर्थ और प्लेस वैसा वैसे लिए तो चलता है ना, वैसे अलग अलग चीज लेके रन कर सकते नहीं, पर आपको ये बेस तो डालना ही पड़ेगा ना, पूरा डेटा सेट वहां जाएगा ना, इनहेरिट तो बराबर है, मैं बोल रहा हूँ उसके बाद, हाँ उसके बाद डाल सकते हैं कुछ भी अलग चीजें, ठीक है? So in above example, I have taken two parent class, employee one, employee two, and the child class, child employee, which is inheriting both parent class by instantiating the objects employee one and employee two against the parameters of parent class. ये था अपना इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस समझ में आ गया आपको? यस सर। अब तो इजी लगा होगा थोड़ा सा इनहेरिटेंस क्या होता है। समझ गया सर। तो भाई मोइन मोसिन समझ में आया? थोड़ा है ना, धीरे धीरे आप करेंगे अपन काम, क्या क्या इसका क्या अपना प्रैक्टिकल उपयोग अभी नहीं है तो खाली समझ के रख लेना है, आगे जब प्रैक्टिकल उपयोग आएगा तो आप प्रैक्टिस करोगे उसकी दोबारा से तो फिर क्लियर होगी चीज। यस सर। है ना, अभी अपन को नियर फ्यूचर में तो जरूरत नहीं पड़ेगा अपन को, अभी जो अपना कोर्स है इसमें, पर मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कल को आप बोलो यार हमने पाइथन पढ़ा है और वो आपसे पूछ ले ये चीजें तो आप जवाब नहीं दे पाओ उसको, तो बोले क्या पाइथन पढ़ा है, बदनामी तो मेरी होगी ना उस्ताद की बदनामी होगी, शागिर्द की थोड़ी होगी, क्या सिखाया उस्ताद ने, हैं क्यों भाई? सही है ना, तो इसलिए मैं ये चीज करवा रहा हूं, नहीं भी करवाता हूं वैसे, जनरली मैं करवाता नहीं हूं उप्स, पर क्या है कि एक ईमानदारी से करवा देना मैं बेटर समझता हूँ। हाँ सर। अब कई लोग क्या रहते हैं, एकेडमिक फील्ड के रहते हैं, प्रोफेसर वगैरह रहते हैं, उनको जरूरत नहीं रहती ना इनकी, भाई उनको तो रिसर्च वर्क का काम है तो इतना जरूरत नहीं रहता उनको, इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ना उनको, तो वो तो रिसर्च तक का पढ़ते हैं, मशीन लर्निंग में जाते नहीं, पर उनको नहीं पढ़ा, तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना? सर अभी मार्केट में मशीन लर्निंग वाला चल रहा है, डेटा एनालिसिस का ज्यादा है,
देखो डेटा एनालिटिक्स में ही मशीन लर्निंग भी आता है, दो प्रकार का मशीन लर्निंग होता है ना। एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा के हिसाब से। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है कि आपके पास जो भी डेटा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, एक्सेल शीट टाइप में है, एसक्यूएल में है, रो कॉलम में, उसके थ्रू आप कोई मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे है ना, तो वो एक प्रकार का मशीन लर्निंग हो गया विद स्ट्रक्चर्ड डेटा। एक होता है मशीन लर्निंग विद अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, उसमें आप इमेजेस हैं, टेक्स्ट मैसेज हैं, है ना, आप उसके हिसाब से कोई मॉडल बनाते, वो फिर मशीन लर्निंग डेटा साइंस वाले पार्ट में आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दो प्रकार से होता था, अपन अभी जो डेटा एनालिटिक्स में कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, सेकंड कंसेप्ट जो इसका है। अपन ने सबने जीपीएस यूज किया है भाई, गूगल पे किया है नहीं, मैप रास्ता ढूंढने के लिए, और इट्स नॉट अमेजिंग हाउ मेनी डिफरेंट रूट्स यू कम अक्रॉस फॉर द सेम डेस्टिनेशन। आपको कई रास्ते दिखाता है, यहां से भी जा सकते हो, यहां से भी जा सकते हो, यहां से भी जा सकते हो, है ना, कोई डेस्टिनेशन डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, ट्रैफिक कहाँ कैसा है, तो आप उस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। भाई इस रूट पे ट्रैफिक कम है तो यहाँ से चलते हैं, यही होता है। Yes. तो फ्रॉम ए प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज वन सच उप मेथडोलॉजी विच वेयर वन टास्क कैन बी परफॉर्म्ड इन सेवरल डिफरेंट वेज। एक टास्क को हम कई तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो पुट इन सिंपल वर्ड्स, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट which allows it to make multiple forms, है ना। तो अपन देखें जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, मैक है, उबंटू है लिनक्स का, तो दो प्रकार के अपने पास पॉलीमॉर्फिज्म है। एक तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फिर अपन समझते हैं इसको। ये तो मैंने खाली एग्जांपल दिया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप तीन, एक सिस्टम पे आप तीन में से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते। ये क्या होता है, स्टैटिक होता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, और विच गेट्स रिजॉल्व ड्यूरिंग द कंपाइलेशन टाइम ऑफ द प्रोग्राम का, जो कंपाइलेशन टाइम होता है उस दौरान ये रिजॉल्व होता है, ठीक है। वन कॉमन एग्जांपल मेथड ओवरलोडिंग, तो मैं इसको पहले आपको बताता हूं। अपन ने एम्प्लॉय क्लास वन लिया हुआ है, यहाँ डिफाइन सेल, कोई एट्रीब्यूट नहीं दे रहा, प्रिंट हर्षित इज हिज नेम। फिर एक और मैंने किया सैलरी, सेल प्रिंट 3000 इज हिज सैलरी। फिर मैंने एक लिया एज, मैंने यहाँ एट्रीब्यूट ना रख के, यहाँ कोई अलग उसमें ना दे करके नेम अलग ले लिया, सैलरी अलग ले लिया, एज अलग, तीनों को अलग डिफाइन किया, है ना, एम्प्लॉय वन क्लास में। अब एम्प्लॉय टू क्लास यदि मैं देखता हूं, यहां भी मैंने नेम, सैलरी और एज, तो अब यहां पर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं
फंक्शन ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट मैंने एट्रीब्यूट रखा है इस फंक्शन में, ठीक है, इनिट नहीं है ये कि जो यहाँ मुझे सेल की जरूरत पड़े, फंक करके है, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट सैलरी और ऑब्जेक्ट डॉट एज, ये तीन मैंने दिए। अब यदि मैं इसको रन करके देखूं चल रहा है, सो ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय वन मैंने जब रखा तो ये एम्प्लॉय वन से लेगा और ये प्रिंट करेगा चीजें, एम्प्लॉय वन की तीनों चीजें प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो देखिएगा हर्षित इस प्रिंट, मैंने फंक्शन ऑब्जेक्ट को रन किया एम्प्लॉय वन को, तीनों चीजें इसने प्रिंट कर दी। फिर मैंने एम्प्लॉय टू को भी मैंने किया तो एम्प्लॉय टू की तीनों चीजें राहुल इस नेम और इस प्रकार से उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब कंपाइल कर रहे हैं उसी टाइम ये स्टेटिक होता है, डायनेमिक नहीं। अब अपन इसको दोनों को देखेंगे तब समझ में आएगी। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आल्सो कॉल्ड ए डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म वेयर इट गेट्स रिजॉल्व इनटू द रन टाइम। वन कॉमन एग्जांपल रन टाइम मेथड ओवरराइड, यहाँ क्या था मेथड ओवरलोडिंग और यहाँ पर है मेथड ओवरराइडिंग। लेट मी शो फॉर दिस एग्जांपल, यहाँ अपन ने सब एट्रीब्यूट यहाँ रख दिए इनिट करके, अरे समझ, और इसमें मैंने दे दिए सब, और एक इसको डिफाइन किया अर्न सेल्फ, इसको पास कर दिए, बाद में कभी करूँगा यूज, ठीक है। फिर मैंने इसी की एक इनहेरिटेंस क्लास बनाई एम्प्लॉय की, और ये दूसरी भी एम्प्लॉय की इनहेरिटेंस क्लास बनाई, तो मुझे ये ऐसा करना पड़ेगा। चलिए होता क्या है इसको, और यह देखें इसको तो दिक्कत करेगा, ठीक है करना पड़ेगा। सी चाइल्ड एम्प्लॉय एंड सी डॉट अर्न, चाइल्ड एम्प्लॉय को मैंने सी ले लिया, चाइल्ड एम्प्लॉय नाम को इसको सी नाम से मैंने कर दिया, और फिर सी डॉट अर्न, सी डॉट अर्न मैंने ये अर्न बनाया हुआ है, पास कर दिया इसको खाली एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय के अंदर एंड द डी चाइल्ड एम्प्लॉय टू, और ये मैं करके देखता हूँ क्या होता है। तो ये दे रहा है इंडेंटेड डज नॉट मेक द आउटर इंडेंटेशन, तो यदि मैं यहाँ अर्न को मैंने पास किया, पर अर्न को मैंने यहाँ डिफाइन किया सेल्फ से प्रिंट नो मनी, है ना, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है ये, और यहाँ भी अर्न को मैंने यहाँ लिया हुआ है, इसी अर्न को यहाँ पास करने के बाद जबकि ये क्लास एम्प्लॉय में था, इसको मैंने यहाँ ले लिया डिफाइन अर्न, इस अर्न को मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ सेल्फ प्रिंट हैश मनी। तो मैंने चाइल्ड एम्प्लॉय वन लिया, जब इसको सी नाम दे दिया, सी डॉट अर्न लिया, सी डॉट अर्न लिया, पास करके पास पास क्यों लिखे सर, पास इसलिए कि मैं यहाँ इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ क्लास, अब मैं रन टाइम पे करना चाह रहा हूँ, तो मैं फिर इधर दूंगा इसको, इधर नहीं करके इधर पास कर दूंगा, तो मैं जो भी रन टाइम पे मैं आगे लिखूंगा उस हिसाब से ये देगा, यहाँ जो डालूंगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ रन टाइम नहीं किया, ये यहाँ मैंने इधर डिफाइन फंक्शन कर दिया, मेथड ओवरलोडिंग है ना, ये ऑब्जेक्ट फंक्शन ऑब्जेक्ट डॉट नेम और ये इस प्रकार से,
यहाँ मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इस फंक्शन को यहाँ ले करके और यहाँ इसको डिफाइन कर दिया सब क्लासेस, है ना। यहाँ मैंने उसके भाई क्या मुझे आउटपुट चाहिए, तो मुझे इसके हिसाब से चाहिए, एम्प्लाई वन के हिसाब से तो नो मनी, और एम्प्लाई टू के हिसाब से तो हैस मनी देगा। तो जब मैंने चाइल्ड एम्प्लाई वन लिया तो नो मनी देगा। यदि मैं इसको इसको रन करूंगा सी डॉट अर्न एम्प्लॉय, क्या दे रहा है, नो मनी। और चाइल्ड टू के हिसाब से देखूंगा तो वो क्या बोलेगा, हैस मनी। चाइल्ड टू के हिसाब से तो हैस मनी। तो ये रन टाइम पे चल रहा है कि यहाँ मैं जैसा उसके जो इनहेरेंट क्लास को दूंगा उस हिसाब से वो मुझे आउटपुट देगा, दे अर्न नहीं रहा है, ठीक है। यस सर, यहाँ मैंने पास कर दिया इसको, यहाँ मैंने इसको रन किया, पर मैंने यहाँ इसको अर्न सेल भी, यहाँ भी अर्न सेल, ठीक। तो उस हिसाब से देगा, मैं जिस क्लास को लूंगा उस हिसाब से वो दे देगा। एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूँ। इन द एबो एग्जांपल आई हैव क्रिएटेड टू क्लास चाइल्ड एम्प्लॉय वन एंड चाइल्ड एम्प्लॉय टू विच आर डेराइव्ड फ्रॉम द सेम बेस क्लास एम्प्लॉय, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया भाई, चाइल्ड क्लास, चाइल्ड एम्प्लॉय वन और चाइल्ड एम्प्लॉय टू दो इनहेरेंट क्लास हैं, है ना, आ रहा समझ, और जो कि एम्प्लॉय से बने, ठीक है, एम्प्लॉय बेस क्लास है। हियर इज द केस, वन डिड नॉट रिसीव मनी, वेयर इज अदर, इज अदर वन गेट्स। सो हियर इज द केस, वन डिड नॉट रिसीव मनी, वेयर इज अदर वन गेट्स। एक को मनी रिसीव नहीं होगा, नो मनी एंड हैज मनी, दूसरे को होगा। नाउ द रियल क्वेश्चन इज हाउ डिड दिस हैपन। वेल हियर इफ यू लुक क्लोजली, आई क्रिएटेड एन एम्प्टी फंक्शन यूज्ड पास, है ना, एक एम्प्टी फंक्शन बनाया पास करके, ए स्टेटमेंट विच इज यूज वैन यू डू नॉट वॉन्ट टू एग्जीक्यूट एनी कमांड और कोड, है ना। पास कब लिखते हैं, जब हम कोई भी कमांड और कोड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते तो पास लिख के छोड़ देते हैं, हम बाद में हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको बाद में यूज कर रहे हैं। नाउ अंडर द टू डेराइव क्लासेस आई यूज द सेम एम्प्टी फंक्शन एंड मेड यूज ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। वो सेम एम्प्टी फंक्शन मैंने यहाँ यूज किया है, पर यहाँ पर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया, नो मनी एंड हैस मनी, है ना। और लास्टली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स एंड कॉल्ड द फंक्शन, और लास्ट में मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, है ना, ये दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और फिर इस फंक्शन को कॉल किया, अर्न फंक्शन, है ना, इधर भी कॉल किया और इधर भी कॉल किया, ठीक है। ये इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब इसका जब अपन प्रैक्टिकली देखेंगे तब चीजें और समझ में आएंगी कि हाँ कहाँ कैसा उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो चैट बॉक्स वगैरह में इन चीजों का उपयोग होता है, तो वहां देखा जा सकता है इसको। अब एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म आपको समझ में आ गया, एक तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है और एक आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दो होते हैं, ठीक है। अभी तो अपन को खाली नाम याद रखना है, थोड़ा सा इसको करके देखिएगा और नेट पर सर्च करेंगे आपको चीजें मिलेंगी, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स से ज्यादा रिलेटेड नहीं, इसमें ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। अब एक्सप्लेन एनकैप्सुलेशन की बात करें, इन ए रॉ फॉर्म एनकैप्सुलेशन बेसिकली मीन बाइंडिंग अप ऑफ डेटा इन सिंगल क्लास, पूरे डेटा को एक सिंगल क्लास में बाइंड करना, है ना। पाइथन डज नॉट हैव एनी प्राइवेट कीवर्ड, जैसे जावा में होते हैं, जावा आपने पढ़ा हुआ है। अ क्लास शुड नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बट बी प्रीफिक्स्ड इन एन अंडरस्कोर। सो यू सी, एम्प्लॉय में मैंने लिया है और यहाँ मैंने एक सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, है ना, ये मैंने दे दिया इधर, जबकि मैंने सेल्फ लिया, यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ कुछ, और सेल्फ डॉट अंडर स्कोर सेल्फ 1 to 4। तो जरा इसको मैं थोड़ा सा क्यों तो ये खत्म, अब ठीक, ऑब्जेक्ट वन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मैंने लिया है, और प्रिंट ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम, ऑब्जेक्ट ने वन डॉट अंडरस्कोर एज, ये अंडरस्कोर जो लिया आपने एज और सैलरी में, ये अपन एनकैप्सुलेशन के लिए अपन ले सकते हैं। क्लास शुड नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस बट बी प्रीफिक्स्ड इन एन अंडरस्कोर, अपन डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, नेम में नहीं लिया है मैंने, तो वही अभी अपन देखेंगे जब प्रिंट करेंगे। यू सी, तो यहाँ पर क्या है कि प्रिंट ऑब्जेक्ट नेम 1 2 3 4 1 2 3 4, पर ये प्रिंट
ऑब्जेक्ट वन अंडर अंडर स्कोर सैलरी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अंडर अंडर स्कोर ऑफ सैलरी, ये एट्रीब्यूट इसके अंदर नहीं है, डबल अंडर स्कोर पे नहीं लिखा। यदि मैं सिंगल लिख देता हूँ सर, नाम तीनों का चेंज करो ना सर, सेम ही सेम, तो समझ रहा नहीं कौन सा आउटपुट दे रहा है। अच्छा ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं, ऊपर सर 1 2 3 4 चेंज करिए ना सर, 4 5 ये चेंज, चेंज है। हाँ ठीक है। यस सर, थर्ड वाला नहीं देगा, थर्ड थर्ड वाला नहीं दिया। वाला नहीं देगा। So, encapsulation basically means binding up the data in single class. Python does not have any private keyword, unlike Java. So, a class should not be directly accessed, but be prefixed in an underscore. है ना? तो underscore अपन prefix रख सकते हैं, तो उससे वो ले लेगा। Otherwise नहीं लेगा। तो दो दो ले रहा है, salary नहीं ले रहा है, तो salary को max. You will get an this question. What is the underscore and error? Well, Python class creates a private variable under underscore salary, which cannot be accessed directly. हम इसको access नहीं कर सकते। एक private उसने variable बना दी, ठीक है? And so I have made use the setter method, which provides indirect access of them. इसे explain करो ना। मैं पहले अपन इसको समझ लो। मैंने नीचे एक और इसको explain किया है। पहले इसको समझने अपन double underscore का क्या हुआ? अब मैंने इनिट लिया सेल्फ, सेल्फ डबल स्कोर मैक्स मैक्सिमम आर्म है ना, तो मैंने डबल अंडरस्कोर लिए हैं सेल्फ डॉट अंडरस्कोर, और यहाँ मैंने कुछ वैल्यू रख दी एक 10 लाख, ठीक है। डिफाइन अर्न सेल्फ प्रिंट अर्निंग इज, ये स्टेटमेंट है मेरा, और यहाँ मैंने कर्ली ब्रैकेट दिए हैं, तो फॉर्मेट मतलब ये वाला अमाउंट यहाँ जाएगा, ठीक है। डॉट फॉर्मेट सेल्फ डॉट दिस, अब डिफाइन सेट मैक्सिमम आर, ये एक और फंक्शन मैंने डिफाइन किया सेट मैक्सिमम आर सेल्फ एंड आर सेटर मेथड यूज्ड टू एक्सेसिंग प्राइवेट क्लास, प्राइवेट क्लास को एक्सेस करना है, तो ये प्राइवेट क्लास, तो सेल्फ डॉट अंडर अंडर स्कोर मैक्स आर इक्वल टू आर है ना। एम्प्लॉय वन एम्प्लॉय क्लास लिया है मैंने, और एम्प्लॉय वन डॉट आर ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसको कॉल किया, फिर ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओके, और इसको कॉल किया, फिर ये ने सेट मैक्स अर्न एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसको कॉल किया। तो अपन देखते हैं, ये देखिएगा, अब ये वर्क कर रहा है क्योंकि मैंने इसको क्या किया, सेटर मेथड यूज फॉर असेसिंग प्राइवेट क्लास को असेस करने के लिए एक मैंने अलग से सेट मैक्स अर्न मैंने एक सेटर मेथड यूज कर लिया। अब ये उसको दे रहा है मुझे, हाँ भाई सेट मैक्स अन भी मुझे दे रहा है, मैंने यहाँ खाली 10,000 लिखा है, यहाँ भी मैंने 10,000 लिखा है ना, तो ये इसको मैंने यहाँ मैक्स अर्न 1000 एंड एम्प्लॉय वन अर्न, तो ये तो एम्प्लॉय वन की अर्निंग पूरी बता रहा है 10 लाख रुपए, ठीक है। पर यहाँ पर एम्प्लॉय वन अर्न जो है डॉट, यदि मैंने सेट मैक्स अर्न डिसाइड कर दिया है, और सेट मैक्स अर्न के अंदर जो चीज दूंगा वो चीज यहाँ पर ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ 10,000 ही प्रिंट कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 10,000 लिखा। यदि यहाँ पे मैं तो वही प्रिंट करेगा, ठीक है। जबकि मैं यहाँ मैक्स अंडर स्कोर मैक्स अर्न 10,000 लिख रहा हूँ, पर इंस्पाइट ऑफ दैट यदि यहाँ मैं 100 भी लिख दूंगा तो ये 10 लाख ही प्रिंट करने वाला। तो जब तक सेटर नहीं दूंगा, सेटर होने के बाद ही वो नया वैल्यू अपन जो यहाँ रखेंगे उसको सेट कर, ठीक है। तो ये मेकिंग यूज ऑफ द सेटर मेथड प्रोवाइड इनडायरेक्ट एक्सेस टू प्राइवेट क्लास मेथड है ना। हियर आई हैव डिफाइंड अ क्लास एम्प्लॉय एंड यूज द अंडर अंडर स्कोर मैक्स अर्न विच इज द सेटर मेथड यूज हियर to store the maximum earning of the employee, maximum earning employee ki store kar raha hai, and setter function set max earn which is taking price as a parameter, hai na. So this is clear example encapsulation where we are restricting the access
to private class method and then use the setter method to grant access. Setter method का use करके हम उसको access grant कर सकते हैं. हाँ, आप इसका उपयोग कर सकते हैं. Otherwise आप इसका उपयोग नहीं कर सकते. कुछ चीजें private रखना चाहते हैं. Encapsulation का मतलब ये था capsule के अंदर कोई चीज रखी है, आपने दिख नहीं रहा. ठीक है, encapsulation. अब जो लास्ट कंसेप्ट है वो है एब्स्ट्रैक्शन. यहां यदि अपन देखें, एक सेकेंड, मैंने इसमें एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है, जस्ट अ मोमेंट. ABC import ABC abstract method. ये अपने कर लिए हैं employee ABC and define employee ID self ID name age and sex pass कर दिया इसमें खाली class child employee employee self ID print ID इसमें कुछ employee ये शायद error देगा नहीं देगा 1 2 3 4 5 employee ID is 1 2 3. एब्स्ट्रैक्शन का मैंने कहीं और भी एक और स्क्रिप्ट बनाया है, ये वाला क्लियर नहीं है प्रॉपर. रुकना जरा मैं देखता हूँ क्या होता है. बहुत सी स्क्रिप्ट मैंने डेवलप करी है एब्स्ट्रैक्शन के लिए भी, पर यहाँ क्लियर नहीं है. हो गया था ये तो देख लिया था. ठीक है,
चलिए इसका मैं देखूंगा यार, कहीं रखा है मैंने, बनाया हुआ है दूसरा, मैं देख लेता हूँ कहीं पड़ा हो तो। कि वो थोड़े और एग्जाम्पल बनाए थे तो। चलिए मैं देखता हूँ, दो तीन एग्जाम्पल और बनाए थे मैंने। तो अभी अपन को एक चीज तो क्लियर हुई कि भाई इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, मेन वो कंसेप्ट तो क्लियर हुआ उसमें। हाँ सर वो वाला क्लियर हो गया, जमा एक जब लोग क्लियर उसमें हुआ। थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे सर। हाँ तो इनहेरिटेंस का आप लोग पहले कर लो प्रैक्टिस, और बाकी के कंसेप्ट को अपन और देखता हूँ मैं, कुछ इजी मैं बना लेता हूँ, ठीक हाँ है, सर थोड़ा सा आज के इजी जैसे कर ही लो। बना लीजिए सर, जैसे आज हमको हाँ वो समझे। तो इनहेरिटेंस का जैसे अपन ने कर लिया है, और वैसे ही अपन और बना लेते हैं, और एक टास्क भी मैं आपको दूंगा इनहेरिटेंस का, तो आपको बना के देना है, ठीक है, समझो आप। हाँ सर टास्क ऐसे कि अपन को दो इनहेरिटेंस बनाना है, एक मैंने बनाया था बहुत अच्छा बनाया था यार, कॉलेज यूनिवर्सिटी का था, क्या बच्चों का अलग और उनका अलग, एम्प्लॉय का, हाँ दो इनहेरिटेंस लिए थे। उसमें नए लोगों को भी हम कैसे एडमिशन देंगे, तो वो किधर जाएंगे, क्या जो नया ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है तो वो कैसे क्रिएट होगा, स्टूडेंट हाँ ऑब्जेक्ट है तो कैसे क्रिएट होगा, उसमें भी हमने कोर्सेस करे थे अलग अलग, क्या तो अच्छा हाँ वो मेरे को देखना है। वो मैंने बहुत अच्छी बहुत बड़ी स्क्रिप्ट बनाई है, वो इसमें हाँ पता नहीं कहाँ मिस हो गई है, इसी में कहीं होना चाहिए पर वो मुझे अभी दिख नहीं रही। सर आपके पास कोई पॉइंट ऑफ सेल की स्क्रिप्ट है क्या बनी हुई? पॉइंट इसकी ऑफ सेल जैसे पॉइंट ऑफ सेल का ऐप रहता है ना सर, जैसे शॉप्स में हम लोग स्टॉक रखते हैं और क्या जा रहा है और सोल्ड हो रहा है, सेल क्या हो रहा है दिन में, सब सब कुछ है आपके पास बना हो सर? उसका देखना पड़ेगा यार, वो तो मार्केट बास्केट का तो बनाया है, पर वो आर में ज्यादा किया हुआ हमने काम, क्योंकि प्लेन डेटा एनालिटिक्स है ना वो, हाँ तो आपको बना हुआ है सर, मेरे को एक देखता हूँ जगह मैं आर में। पे हाँ मेरे अंकल को चाहिए था सर वो प्रोजेक्ट का, तो अच्छा वो अच्छा तो अगर आपके पास रेडी में है सर तो आप मेरे को देखना बताओ ना। पड़ेगा मुझे, ढूंढना पड़ेगा उसको, है ना। नहीं हाँ मतलब कैसा है आपकी बस सर? मैंने आर में किया था, मार्केट बास्केट एनालिसिस के किया था, उसमें ऐसा है कि भाई कौन सा आइटम के साथ कौन सा आइटम रखा जाए, या किस अच्छा आइटम पे, जैसे बोलते हैं ना कि एक के साथ किसी आइटम के साथ कुछ अपन फ्री दे रहे हैं, या कुछ हाँ अच्छा वैसा डिस्काउंट है। दे रहे हैं। नहीं नहीं मेरे को ऐसा चाहिए सर कि स्टॉक भी रहे उसमें और हम हाँ लोग बारकोड स्कैनर डाले, जो अगर कोई चीज जा रही है दुकान से तो वो स्कैन करके मतलब स्टॉक में से माइनस हो रहा है और दिन में कितने रुपए का सेल हो रहा है वो सब रख। वो सब फिर ईआरपी प्रोग्राम होता है, ईआरपी प्रोग्राम आप ले सकते हैं, उसके लिए परचेस कर सकते हैं, तो उसमें पूरा डिटेल आ जाता है तो ईआरपी। हमें अगर हम लोग खुद बनाना है सर वो चीज तो किस अरे किस बहुत किस लंबा बनाना है? प्रोग्राम होता है, उसमें इन्वेंटरी भी आ जाता है, उसमें प्राइसेस भी आ जाता है, एवरीथिंग आ जाता है। वो थोड़ा कॉस्टली जरूर पड़ता है सॉफ्टवेयर, जो नहीं हमारी सिस्टम सिस्टम हम लोग खुद कंसर्न बनाए है। सर अगर तो नहीं सर हम वो अच्छा एक्चुअली क्या है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला पार्ट है, समझ रहे हो आप, हाँ इट इज हाँ नॉट ए ये एनालिसिस नहीं है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट है, जैसे क्या बोलते हैं टेली होता है ना, टेली सॉफ्टवेयर, जी उस तरह के सर ईआरपी प्रोग्राम कंपनी बनाती है। एक मेरी सिस्टर कंसर्न है टेक्लिन करके, आप अच्छा यदि सर्च करेंगे नेट पे, मैं बताता हूँ आप, जी वहाँ उसमें भी हम लोग कुछ प्रोडक्टिव ला रहे हैं, मशीन लर्निंग के कंसेप्ट ला रहे हैं उनके डैशबोर्ड पे, है ना, जरा मैं बताता हूँ आपको, जस्ट जस्ट
ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? हाँ भाई, यस सर दिख रहे हैं ना। तो ERP फॉर इंडस्ट्रीज, ERP फॉर HRMS, ERP फॉर हॉस्पिटल, ERP फॉर कॉलेज स्कूल्स, ये ERP बनती है। ERP प्रोग्राम रहता है, इसके अंदर अपन काफी चीजें मतलब अपन इसमें कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए अलग बनती है, इसमें इन्वेंट्री वगैरह सब हो जाता है इसमें, जैसे डैशबोर्ड वगैरह भी दिखता है कितना सेल हो रहा है, किस दिन कितना सेल हुआ है ना। ये तो बहुत हाई लेवल का हो गया सर। हाँ, ये इसी प्रकार का बनता है इसमें पूरा। अच्छा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस कंट्रोल, सर्विस, इन्वेंट्री, मतलब जैसा आप चाहोगे, मतलब इसमें कई रेंज रहती है। एक कस्टमाइज करके देते हैं ये लोग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, क्या मेरे को सर एक सिंपल पॉइंट ऑफ सेल बनाना है, जैसे एक दुकान में कैसे दुकान वाले लोग जो इतना उनको नॉलेज तो रहता नहीं, बस उनको इतना समझ जाए कि आज का मेरा इतना सेल हुआ है, जो काम लोग रजिस्टर में करते हैं वो चीज उनका फोन में आ जाए टैब में। सही, अच्छा अच्छा जी सर। नॉर्मली कंप्यूटर से, फोन से एंट्री तो करना पड़ेगी ना उनको। जी हाँ, वो एक बार एंट्री करना पड़ेगी सारे प्रोडक्ट्स की। हाँ, फिर वो क्या स्टॉक है, फिर वो बारकोड स्कैनर से बस स्कैन करके ऐड हो जाएगा। हाँ, वो सस्ता बन सकता है। हाँ, मैं बात करूंगा, टेक्निक भी है, डस्ट सॉल्यूशन भी है हमारी कंपनी। सर हम लोग ऐसा पाइथन पे ही बना सकते हैं ना सर वो चीज? पाइथन पे बना सकते हैं, पर वो क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम। हाँ वही, ऐप डेवलपमेंट का वो क्या थोड़ा सा फील्ड अलग हो जाता है। अपन लोगों का फील्ड क्या है, एनालिसिस का फील्ड। हाँ सर, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है उसमें। जी सर, है ना। ये टेक्लिन में मैं कंसल्टेंट हूँ, डॉट सॉल्यूशन उसमें भी मैं कंसल्टेंट हूँ। इनके जो मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ एल्गोरिथम रहती है ना, जब जैसे ये लोग अभी इसमें क्या कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ERP सॉफ्टवेयर के अंदर ये लोग प्रेडिक्टिव एनालिसिस का वो कंसेप्ट ला रहे हैं यहाँ। अच्छा, या सेल्स वगैरह भी है, तो अगले महीने की सेल्स इनको पता चल जाए, अगले दो महीने में सेल्स क्या होगी, एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन कर देंगे अपन। तो वो पिछले डेटा से उनका प्रेडिक्शन भी मिल जाए, जैसे ही प्रेडिक्शन पे क्लिक करेंगे तो उनको प्रेडिक्शन मिल जाएगा कितनी सेल्स होगी। अब यदि इन्होंने कोई दूसरा टारगेट सेट कर दिया सेल का, यानी हमें तो इतनी नहीं इतनी चाहिए, अरे बात समझ लो, मान लो ये बोल रहा है कि अगले महीने आपकी 9 लाख रुपए की सेल हुई, और वो बोलते हैं नहीं हमें 9 नहीं 12 लाख चाहिए। तो 12 लाख चाहिए, तो फिर उनको क्या करना है, फिर यही सजेस्ट करें। अच्छा, अपना मॉडल कि आप एडवर्टीजमेंट पे इसी सेक्टर में एडवर्टीजमेंट करो, इसी एरिया में क्या, तो आपका और फलाना आप ऐसे करो, तो वो पूरी चीज उनको सजेस्ट करे खुद ऑटोमेटिक सिस्टम। अच्छा, तो वो उस हिसाब से यदि करेंगे तो वो अप्रोच कर लेंगे 12 लाख। ओके, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाता है जो रेकमेंड करता है ना। हाँ, देखो मशीन लर्निंग ने तो क्या किया, आपका प्रिडिक्ट कर दिया कि आपकी सेल इतनी आएगी। अब सब अंतर समझो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग ने तो प्रिडिक्ट कर दिया कि इतनी सेल होगी 9 लाख रुपए, ठीक है, अगले महीने। पर आपने जब ऐसा ही अपना वो डाला कि नहीं मुझे 9 नहीं 12 करना है, तो फिर वो उल्टा आपको सजेस्ट कर रहा है कि भैया 12 करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, और ये काम करोगे तो इतनी आएगी। करेक्ट 12 भी नहीं बोल पाए यदि वो, तो वो बता देगा कि इतना बढ़ जाएगा, मतलब 11,75,000 रुपए की सेल होगी आपकी, वहां पे जाके हिंट कर देगा रेकमेंड करके कि 12 तो नहीं आएगी तो नहीं आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जादू थोड़ी कर देगा, वो तो चीजों को जो आपने मशीन लर्निंग में उसको पढ़ाया है उसी से वो आगे चल के और उसको इसको ही वो यूज कर रहा है आपको रेकमेंड करने के लिए। समझा, है ना, कि आपको ये करना पड़ेगा, और यदि आपको ये सेल इस हिसाब से इतना ग्रोथ रेट चाहिए तो आपको ये चीजें रेगुलर इतने महीने तक करना पड़ेगा, तब आपका ग्रोथ रेट इतना आएगा। अब ये सब चीजें क्या है कि जब ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी ERP में, तो इनका ERP का वैल्यू कितना बढ़ जाएगा प्राइस। अभी तो ये प्रेजेंट डेटा दे रहा है ना डैशबोर्ड में, जो आपको दिख रहा है डैशबोर्ड पे प्रेजेंट डेटा है इनका खाली। ये प्रेडिक्टिव भी कर देंगे तो वो हिस्टोरिकल और प्रेजेंट डेटा है कि भाई पिछले महीने कितनी थी, अब कितनी है, हर एक चीज का ऐसा है, पर प्रेडिक्टिव नहीं है इसमें ना AI है। अभी ये लोग ला रहे हैं प्रेडिक्टिव, इसमें प्रेडिक्टिव के बाद आएगा AI। क्या AI वही सजेशन देने वाला, रिकमेंड करने वाला,
अब जैसे आप नेटफ्लिक्स पे कहीं भी अपन मूवी देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, तो आपको रेकमेंड करता है कि नहीं आगे, या फ्लिपकार्ट से आप कुछ खरीदते हो, हाँ करता है अमेजन से कुछ खरीदते हो, तो वो रेकमेंड करता है, वो आपकी चॉइस के हिसाब से रेकमेंड करता है कि जो आइटम आपने खरीदा वो आइटम किसी और ने खरीदा था, तो उसने और बाद में क्या खरीदा, है ना? हाँ तो सर आइटम चॉइस को कैच करता है कि मैक्सिमम लोगों ने क्या खरीदा, जो इन्होंने जो आइटम, जैसे मान लो आज तुमने कॉफी खरीदी, तो कॉफी के जो जिन लोगों ने कॉफी खरीदी थी उन्होंने और क्या क्या खरीदा, उसमें मोस्टली लोगों ने क्या खरीदा कॉफी के साथ, तो वो चीज आपको रेकमेंड करता है। हो सकता है कि वो लोगों की जो हैबिट्स होती हैं वो एक जैसी रहती है ना ऑलमोस्ट, तो कॉफी के साथ हो सकता है आप बॉन बॉन का बिस्किट खरीदते हो, है ना, आप भी पसंद करते हो, दूसरे लोग पसंद करते हैं फलानी चीज कॉफी के साथ, या कुछ नमकीन हुआ, जो भी है चीजें खाने पीने की, मैगी हुआ, वॉट एवर, तो वो चीजें रेकमेंड करता है वो उस हिसाब से देख के, अच्छा ये उसके अंदर वो रहता है। एआई में क्या थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, इसके एआई बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि वो जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं जिस जिस मीडिया पे, उनके रिजल्ट्स क्या आ रहे हाँ हैं, उसको सबको चैनलाइज करना पड़ेगा, है आप ना? एआई क्या कर रहे हो सर उसका? उसका भी मशीन लर्निंग का चल रहा है हम लोग, अच्छा मशीन लर्निंग। अभी डेटा वगैरह एक्सट्रैक्ट करके दे रहे हैं वो लोग मुझे, कि हाँ क्योंकि हाँ उनके बहुत ईआरपी लगे हैं, फॉरेन में भी लगे हैं, नाइजीरिया लगा है, दुबई लगा है, काफी उनके सॉफ्टवेयर मतलब वर्ल्ड वाइड लगे हुए हैं, यूएस में भी लगा है उनके ईआरपी के सॉफ्टवेयर, ये टेकलिन वालों के, तो काफी समय से मैं इनके साथ हूँ एज ए कंसल्टेंट, करीब 7-8 महीने हो गए मुझे, तो अभी तुम लोग बेस वगैरह तैयार कर रहे हैं कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, अब बीच में लॉकडाउन हो गया तो सब बंद हो गया था आना जाना, अब फिर से मैं गया था लास्ट वीक, मुझे बुलाया था, मीटिंग थी, फाइनल हुआ है कि नहीं अब काम करना है इसको, इनके ठीक है अब डेटा एक्सपेक्ट करके दो मुझे, अब वो डेटा देंगे, उसके बाद फिर मैं उसका मॉडल बनाऊंगा, मॉडल बना के फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसको, चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, है ना, उनके कोई किसी कंपनी एक, में सर नहीं किए पहले काम? नहीं करा है ना देख मैंने, मैं तो मैनेजर था डेटा डेटा साइंस का एक कंपनी में 1 साल हाँ रन हाँ रहा पर हूँ, हाँ मैं आईटी कंपनी अच्छा मैं कॉन्सेगस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में था, अच्छा सर किसी हाँ का ओवन सेटअप है सर आपकी पहचान में काय का आईटी में? आईआईटी में, आईटी की कंपनी में, आईटी की कंपनी का किसी का ओन सेटअप आपके कोई? तो है ना, काफी लोगों के यहाँ सेटअप, तो सर ऐसा मेरे को सर इंटर्नशिप के लिए सर चाहिए था। करवा देंगे टेकलिन में ही करवा देंगे क्या, इसमें टेकलिन, हाँ ये टेकलिन जो है ना मेरे, इसी में करवा देंगे ऑनलाइन इंटर्नशिप, है ना, किसी हाँ प्रोजेक्ट मतलब में, सर एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे को खाली पहले सिखा दे उसके बाद हाँ पहले फिर। अपन ये पाइथन कर लो, फिर इसके बाद मैं टेकलिन में करवा दूंगा इंटर्नशिप, अच्छा जी है ना, ऑनलाइन इंटर्नशिप हो जाएगी किसी प्रोजेक्ट में अच्छी, ठीक सर है, वो प्रोजेक्ट भी आप मेंशन कर सकते हो, ओके वो सर्टिफिकेट भी, प्रोजेक्ट का नाम भी मिलेगा आपको उस पर, इंटर्न सर्टिफिकेट जो रहेगा कि इस ओके प्रोजेक्ट में काम किया अच्छा है ना, तो अपन कर लेंगे, जब तक ये मेरा प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा इसी में इन्वॉल्व कर लूंगा तुम लोगों को, वो पाइथन पे ही करना है पूरा, अच्छा है ना, ठीक है सर अच्छा है बहुत अच्छा है फिर तो खत्म उसी में हो इन्वॉल्व जाते कर हैं लेंगे, प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अच्छा हाँ वो टाइम लगता है इन प्रोजेक्ट में, क्या 1-1.5 साल डेढ़ डेढ़ साल लग जाते हैं, हाँ एक दिन का काम नहीं होता, अभी तो वो डेटा निकाल रहे हैं क्या, वो डेटा तो समझा बहुत सारा पड़ा है उनके पास, डेली क्रिएट होता है ना, जहाँ भी ईआरपी लगा होगा वहां तो सुबह से शाम तक कितने ट्रांजेक्शन होते होंगे दुबई में, हाँ तो मॉल में, इधर उधर सब जगह, सर ये काम करने में बहुत टाइम लगेगा ना फिर इसके वो प्रोजेक्ट। टाइम, अब वो जो डेटा रहता है ना वो बिजनेस प्रोसेस वाला डेटा, वो अपने अच्छा एनालिसिस के हिसाब से नहीं है डेटा, वो तो अच्छा बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से है ना, भाई इनवाइस कट रहा है, ये कट रहा है, वो इन्वेंटरी हाँ वगैरह वो, हाँ अब उस डेटा को बड़ी हमें, कंपनी है सर क्या टेकलिन? हाँ बड़ी कंपनी, तो ये लोग क्या करते हैं कि वो उस डेटा को, जब वो डेटा मिलेगा उसको हमें ठीक करना पड़ेगा पहले, डेटा को अपने लेवल पे, बिग डेटा है ना वो, तो बिग हाँ डेटा में हडूप वगैरह के जो एक्सपर्ट रहेंगे वो रहेंगे साथ में, उस डेटा को सही करेंगे, क्लीन करके देंगे हमें ठीक ठाक, फिर इसके बाद हम फिर प्री प्रोसेस करेंगे डेटा की, वो हमें एक लेवल तक डेटा को ठीक करके दे देंगे कि साहब ये डेटा आ गया आपके पास फॉर्मेट में सही, इसके बाद फिर हमारी प्री प्रोसेसिंग चालू होगी, जब वो हाँ डेटा को हम अपने हिसाब से छान बीन के बिल्कुल ठीक कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे का काम होगा,
सर इन्फोर्मेटिका कोई है आपके पास? किसका? इन्फोर्मेटिका? इन्फोमेटिका बता, एजुकेशन से रिलेटेड है किसके? नहीं, जॉब के रिलेटेड, किसी के पास सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है इन्फोर्मेटिका नॉलेज का। देखना पड़ेगा, इन्फोमेटिका का नॉलेज नहीं है, है SQL या इन्फॉर्मेटिका? एक्चुअली मेरे मैम है सर कॉलेज की, तो ना? अच्छा उन्होंने किया है, तो उनको उस पर जॉब करना था, तो कुछ हो अच्छा सकता। चलो मालूम करता हूँ कोई कर रहा होगा इन्फॉर्मेटिका फिर, है ना? जी सर। ये देखो इनके हर तरह के हायरार्की हैं, एजुकेशन से रिलेटेड अलग हैं, है ना? हाँ इसमें स्टूडेंट एडमिशन, एचआर स्टाफ एंड पेरोल, तो ये सब, ये किससे हुआ? ये सब उप्स का वाला कंसेप्ट लगते हैं इसमें, सॉफ्टवेयर में, है हाँ ना? जो अपन उप्स पढ़ रहे हैं ना, पेरेंटल क्लास और ये सब कंसेप्ट लगते इधर हैं। अपन थोड़ा सा इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपन पाइथन पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको समझ लें, है ना? हालांकि डेटा एनालिटिक्स में उसका उपयोग नहीं है, अटेंडेंस मैनेजमेंट, बैच मैनेजमेंट, फिर एग्जामिनेशन मॉड्यूल, है ना, इन्वेंटरी हाँ एंड स्टोर, ई लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत सारे चीजें हर तरह के इनके हैं। जैसे आप इंडस्ट्री एजुकेशन हेल्थ केयर में देखेंगे, हेल्थ केयर के इनके सॉफ्ट काफी हाँ जगह लगे हैं वर्ल्ड वाइड, क्या काफी सर। लगे हैं। इवेंट्स इंडिया सॉफ्ट में 4 से 2019 में गए थे, हैदराबाद, फिर ये दुबई, सेंटर बाहर भी है ऑफिस मेन हमारे इंदौर में ही है इनका। अच्छा। हाँ बाकी नाइजीरिया में है, क्या हाँ नाइजीरिया? क्या बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है, बहुत तेजी से। नाइजीरिया के लोग बहुत अच्छे हैं और सबसे ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड भी वहीं से होते हैं मतलब इंटेलेक्चुअल है ना आईटी में, बोलो मतलब ये है, मतलब बहुत आगे हैं। तो अभी मेरे भी जो बैच चल रहे हैं, रेगुलर जो बैच चलते हैं, उसमें आप ये समझ लो कि लास्ट बैच में 100 पार्टिसिपेंट्स में करीब 28 पार्टिसिपेंट नाइजीरियन थे। हेलो। तो दे आर, मतलब वो अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं इन सब चीजों को सीखने में, और नाइजीरिया में काफी पोटेंशियल है इस टाइम, बहुत तेजी आईटी के से। लिए जॉब्स कहाँ ज्यादा अच्छे हैं किसमें? सर? आईटी के लिए जॉब कहाँ पर है इंडिया के बाहर ज्यादा? इंडिया के बाहर यदि अपन देखें तो दुबई में ठीक ठाक है, जॉब अच्छे हैं आईटी के लिए? आईटी के लिए, बहुत अच्छी है, अप्रोच करो तो अच्छा है। डेटा साइंस में तो बहुत जॉब है, डेटा अच्छा, एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स में बहुत जॉब है, डेटा साइंस का डेटा एनालिटिक्स के बहुत जॉब है। दुबई में। अच्छा दुबई में अप्रोच करो, मेरा एक स्टूडेंट गया था, वो छोड़ के आ गया, उसको 36 लाख का पैकेज था स्टार्टिंग। स्टार्टिंग हाँ 3 लाख रुपए महीना। छोड़ा कैसे सर? उसने मतलब क्यों छोड़ अरे दिया? मतलब वो क्या सिंधी भाव था, उसको मजा नहीं आई, है क्या ना? करके गया, क्या किया था उसने सर? कोर्स क्या करके गया? भाई बीटेक किया था, इसके बाद मेरे यहाँ से डेटा साइंस का कोर्स किया था, डेटा एनालिटिक्स का, हाँ और डेटा एनालिटिक्स की पोस्ट थी, हो गया उसका उस हाँ बिहाफ पे। अच्छा बीटेक तो उसने दूसरे उसमें किया था स्ट्रीम में, हाँ बीटेक उसका डेटा एनालिटिक्स में नहीं था, अच्छा जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में था। तो उसने हाँ हमारे यहाँ से बिग डेटा भी सीखा था, पाइथन भी सीखा था और आर भी सीखा। मेहनत बहुत करी उस बंदे ने, मतलब वो बंदा सुबह से शाम तक बैठा रहता था हमारे क्लास में। हमारे क्या क्लासरूम और साइड में प्रैक्टिस रूम है, तो अच्छा प्रैक्टिस रूम में मैं दिन भर बैठा रहता था। जैसे ऑफिस जाता है ना आदमी सुबह से शाम तक 10 घंटे, हाँ वैसे वो 10 घंटे लगा रहे। 36 लाख पैकेज है स्टार्टिंग, बहुत बहुत हो गया हाँ अभी वो बेंगलोर में है किसी कंपनी में, वो छोड़ के आ गया था, उसको क्या मजा नहीं आया, वो अकेला था उस कंपनी में डेटा एनालिटिक्स में, और वो डेटा एनालिटिक्स का उतना काम भी नहीं था, वो कहने लगा यार पहले सर वो तो छोटे मोटे काम थे, वो जनरल होते हैं, मुझे मजे नहीं आ रहा था। अपन ने क्या। डेटा एनालिटिक्स जितनी मेहनत से पढ़ा और पोस्ट डेटा एनालिटिक्स किए, मैंने कहा आगे वो लोग चालू करते कुछ चीजें, तो मैं वहां रहना तो था क्या भाई, होलसेल डेटा समय दे दो सर, बोलना है रिप्लेसमेंट तो वहां बहुत रिक्वायरमेंट है, करके आप वहां कर सकते हो आराम से।
आपका है सर वहां पर कुछ पहचान? मालूम करूंगा, है मेरे एक दो प्रोफेसर हैं वहाँ अच्छा पहचान के, जिन्होंने मुझे पढ़ाया तो वो भी हैं वहाँ। अच्छा एमसीए के कहाँ से करूँ सर मैं? एमसीए करना है तो, एमसीए करना है, सॉरी एमसीए एमसीए। सर। हाँ एमसीए, हाँ अभी तो बीटेक कर रहे हो ना? नहीं, मेरा अभी मैं कर रहा ग्रेजुएशन हुआ हूँ। सर, बीटेक ये कर रहे हैं। अच्छा बीटेक तो ये मोहसिन कर रहा है। जी सर, अच्छा, तो तुमने कहा में किया ग्रेजुएशन? अच्छा बीएससी आईटी सर। बीएससी आईटी की। एमसीए तो कहीं से भी कर लो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। एमसीए के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं क्या? मुंबई में ही करूँ या सर बैंगलोर हैदराबाद आईटी हब अरे जो है मुंबई उधर से, या? मुंबई से कर लो, काहे को पैसा खर्च कर। मतलब देखो आजकल क्या स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, आपको आता कितना, और वो तो आपको सीखना पड़ेगा सेल्फ ही कहीं ना कहीं। लेकिन सर ये बहुत कम कॉलेजेस है जिसमें सारी कंपनीज आती है अच्छी, ज्यादातर डीम यूनिवर्सिटीज में आती है। मुंबई यूनिवर्सिटी के बहुत कम कॉलेजेस जिसमें अच्छी कंपनीज आती है जैसे कैंपस के लिए। अच्छा तो देख लो जहां कैंपस अच्छा आता होगा वहां अप्रोच करो, वहां से कर लो, है ना? अच्छा डीम यूनिवर्सिटी के सर सब एडमिशन फुल हो गए मई में ही, अच्छा अच्छा और हम लोगों ने इतना ध्यान दिए नहीं वो टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम अनपढ़ गए सारे फुल हो गए। देख लो यदि कैसा क्या रहता है उसके अंदर, दूसरी जगह और कोई कॉलेज देख लो, और कोई यूनिवर्सिटी देख लो। क्योंकि तो आजकल क्या होता है फेक भी, जैसे IIPM बंद हो गया, अरविंदो चौधरी का क्या नाम था, अनिरुद्ध क्या चौधरी नाम था ना उसका, हाँ IIPM, बहुत शाहरुख खान जिसके हेड किया करते थे और ये सब करते थे, सब फेक था मामला उनका, क्या पूरा फेक चल रहा था? ऐसे ही कहीं कॉलेज का फेक चल रहा है, एक्चुअली ना फैकल्टीज वहाँ ढंग की है क्या, हाँ खाली सर एडवर्टीजमेंट और कुछ कंपनियों को पटा रखा है, शुरू में आपको ले लेते हैं, उसके बाद 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद निकाल देते हैं आप। तो ये सब फैक्ट चीजें चल रही हैं, तो कोई मतलब नहीं है उधर क्या, पर वो सोच समझ के जहां भी करना सोच समझ के। क्या IIPM जैसा ब्रांड बंद हो गया, आप इतना बड़ा कॉलेज, तो वो तो बड़ा नाम था IIPM का, कितने हाँ बड़े बड़े एड आते थे उनके, मतलब उनके एड सबसे ज्यादा एड आए थे एक कौन से ईयर में, मतलब कोई इंडस्ट्री के उतने एड नहीं थे जितना IIPM। अभी तो शाहरुख खान पे भी केस हो गया, स्टूडेंट ने केस कर दिया कि हाँ मैंने ओके हमें मिसगाइड किया एडवर्टीजमेंट में। आई आई पी एम के। हाँ IIPM का ब्रांड था ना, ब्रांड एम्बेसडर हाँ शाहरुख, तो अब इस पे केस हो गए कहीं। तो आजकल तो क्या है कि पब्लिक छोड़ थोड़ी रही है, भाई आपने एड किया तो आपने ऐसे कैसे एड कर लिया, हमने आप हम तो आपकी ब्रांड इमेज जानते हैं, हमने आपके कारण एडमिशन ले लिया, आपने बोला एड में, तो इस ग्राउंड पे कई लोगों ने उस पे केस कर दिया शाहरुख खान। तो आजकल क्या है एडवर्टीजमेंट भी ये करना बहुत वो हो गया है, यदि आप कोई एडवर्टीजमेंट ऐसा ऐसा कर रहे हो तो बड़ा सोच समझ क्या, हाँ सर एक्टर्स के लिए वहां भी रिस्क हो गया। पहले आपके एक्टर कहाँ एडवर्टीजमेंट करते थे, दिलीप कुमार वगैरह ये लोग कहाँ एडवर्टीजमेंट करते थे, ये हाँ देवानंद हुए या राज कपूर हुए, ये लोग पढ़ते ही नहीं थे इन पचड़ों में क्या। अनिल कपूर भी अभी अभी जाके एड करने लगा, नहीं तो वो तो पहले करते ही नहीं था, मना कर देता था एड से, अब वो फिल्में नहीं मिल रही हैं तो क्या करे, एड से ही काम क्या, ये चीजें हैं। तो वही सब है। अच्छा अक्षय कुमार सोच समझ के एड करता है, वो फालतू के एड करता ही नहीं, हाँ वो एड करेगा तो ढंग के ही करेगा क्या, वो नहीं करता इधर उधर के फालतू, मना कर देता कहले करूंगा तो ये ढंग का प्रोडक्ट लाओ तो एड करता, बनियान वनियान के खुल लेगा, बनियान में क्या क्लेम करोगे उसके मटेरियल बनियान पे तो क्लेम कर नहीं सकते एक बनियान के लिए कोई थोड़ी कोर्ट में जाएगा यार, दिमाग 25-50 रुपए की बनियान के लिए। लगाया हाँ तो वो सोच समझ के करता है वो आइटम। ठीक है भाई मोहसिन, करते। ओके आज प्रैक्टिस करो, मैं भेजता हूँ ये अभी, और आज मैं इसमें और बनाता हूँ दूसरे, तो कल तक संभवतः अपन खत्म कर लेंगे इसको, है ना? मैं वो स्क्रिप्ट ढूंढ रहा हूँ, स्क्रिप्ट बना के रखी मैंने काफी बड़ी, वो डिटेल में है बहुत, तो आज मैं ढूंढ लेता हूँ उसको। ठीक, ओके।
हाँ सर। हाँ।